अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में कलेक्ट्रेट की महिला जनसुनवाई में लगभग 80 महिलाएं पहुंची। कीर्ति को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी ज्वाइन करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत थी। तृप्ति को चिंता थी कि अगर कल तक बच्ची की फीस जमा नहीं हुई तो वह परीक्षा में नहीं बैठ पाएगी। दिव्यांग चंद्रवती नौकरी और स्वरोजगार की आस में दफ्तरों के चक्कर लगा रही थी तो रिंकी अपने इलाज को लेकर और खाद्यान्न पर्ची न मिलने से दुखी थी। कलावती परेशान थी कि उसके खाते से किसी ने छल पूर्वक जमा पूंजी निकाल ली। इन सभी महिलाओं की समस्याओं का समाधान महिलाओं के लिए हुई विशेष जन सुनवाई में हो गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में महिलाओं के लिए विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में पहुंची सभी महिलाओं को सम्मान पूर्वक कुर्सियों पर बिठाया गया, साथ ही चाय पानी से आवभगत भी की गई। इन महिलाओं की समस्या का निदान कलेक्टर द्वारा स्वयं किया गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, अपर कलेक्टर आशीष तिवारी और कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास राजीव सिंह ने एक एक कर सभी महिलाओं की समस्याएं सुनी और उनके आवेदनों के निराकरण की रूपरेखा भी तय की। विशेष महिला जन सुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की मॉनिटरिंग कलेक्ट्रेट से विशेष तौर पर अलग से की जाएगी। हम लोगों ने महिला दिवस में डिसाइड किया था कि जो ये वाली जनसुनवाई है उसमें महिलाओं को हम अलग से सुनेंगे, उनकी पूरी शिकायतें अलग नोट डाउन करेंगे महिला बाल विकास में और उसका फॉलोअप करके उनका निराकरण कराएंगे, तो उसी संदर्भ में ये सुनवाई चल रही है। क्या आगे भी इस तरीके से ये जारी रहेगा? उसके बाद तो हम कॉमन जनसुनवाई करेंगे, दिस वॉज अ स्पेशल जनसुनवाई फॉर मतलब महिला दिवस के उपलक्ष्य में, लेकिन उसके बाद में हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे करेंगे क्योंकि फिर दो जगह मेरा बैठ पाना और हमारे एडीएम का बैठ पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये वाली जनसुनवाई हमेशा।